माइक म्यूट रखिएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का हमारा जो सेशन है वो है फाइवर पर, ठीक है। सबसे पहले तो कल मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि फाइवर क्या चीज है, ठीक है। फाइवर एक फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग अपनी स्किल्स को सेल कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को कोई भी स्किल आती है, जैसे कि कल हम लोगों ने एक स्किल सीखी थी कि कैनवा पर हम लोग रिज्यूमे बना सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, किसी भी किस्म का टेम्पलेट बना सकते हैं, तो वो हमारी स्किल थी, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही, आप लोगों को मैसेज करिएगा। अबीरा, आप ज्वाइन विद ऑडियो करेंगी तो ही आपको पता लगेगा आवाज का। अच्छा, मैं बता रही थी कि कल हम लोगों ने सीखा था कि स्किल्स क्या होती हैं, ठीक है। स्किल जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग है, जैसे कि कंटेंट राइटिंग है, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग में जो कि कैनवा है, कैनवा में लोगो बनाना, रिज्यूमे बनाना और जितनी भी ग्राफिक की सर्विसेज हैं, मैं कैनवा यहाँ ओपन करती हूँ, जितनी भी ग्राफिक की सर्विसेज हैं वो हम लोग कैनवा में आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कल डिजाइन स्पॉटलेट आप लोगों को पूरा दिखाया था, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा कैनवा वाला कल का, वो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग देख के वो समझ जाएंगे, ठीक है। ये डिजाइन स्पॉटलेट है इसका, इसमें हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग लोगो, फ्लेयर, बैनर, पोस्टर, रिज्यूमे, ये सब चीजें जो कुछ इन्होंने लिखा है, ये सब कुछ हम लोग कैनवा में बना सकते हैं। कल हम लोगों ने बात की थी कि स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए। पहले तो मैंने ये भी बात कही थी कि अगर आप लोगों को खाना बनाना आता है, अगर आप लोगों को कोई और काम आता है, फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइनिंग और कंटेंट राइटिंग के अलावा, जरूरी नहीं है कि अगर आप फ्रीलांसिंग में आना चाह रहे हैं तो आप लोगों ने ग्राफिक डिजाइनिंग ही सीखनी है या आप लोगों ने कंटेंट राइटिंग ही सीखनी है। जो स्किल लोग यानी सिखा रहे हैं, आप लोगों ने जस्ट वो ही नहीं सीखनी, अपनी अगर कोई स्किल है आप उसको भी यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं रैंडमली आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी। आप लोगों ने मुझे ना अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, मैं आप लोगों को उस हवाले से गाइड करूंगी कि आप लोग किस तरह की स्किल को सेल कर सकते हैं फाइवर पर, किस तरह से यानी आप लोग आ सकते हैं अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग या कंटेंट राइटिंग नहीं सीखना चाह रहे। जाहिद, जाहिद आपकी क्या यानी क्वालिफिकेशन है, आपको कौन कौन सी स्किल्स आती हैं, जरा मैसेज पर बताएं। जाहिद, आपको मेरी आवाज आ रही है? ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में की थी आपने? मतलब आपकी स्किल क्या है, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या स्किल्स हैं? आप लोग, आपको कोई ऐसी स्किल जो कि आप यानी अगर कोई काम भी करते हैं तब भी बताएं कि आप लोग, आपको क्या काम आता है, क्या आपकी हॉबी है। जैसे कि हम लोगों को वीडियो एडिटिंग, आजकल टिकटॉक बहुत ज्यादा फेमस है, तो टिकटॉक के हवाले से अगर टिकटॉक की वीडियोस एडिट करना आती है, ये भी तो एक स्किल ही हुई। आपको सोशल मीडिया यूज करना आता है अच्छे से, पेजेस बनाने आते हैं, फेसबुक के ग्रुप्स बनाने आते हैं, आप मार्केटिंग अच्छी कर सकते हैं, फेसबुक के ग्रुप में अच्छे से पोस्ट कर सकते हैं, तो ये फेसबुक मार्केटिंग में ही आता है। क्या आपको वो आता है, क्या स्किल है आप में, आप मुझे बताएं। मैं फिर आपको थोड़ा सा सजेस्ट करूंगी कि आप फाइवर पर क्या सेल कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग, यानी आपका इंटरेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग में। अच्छा, जरा कोई मुझे यूनिक सी बात बताए कि भाई मुझ में ये स्किल है, मैं उसको सेल करना चाहता हूँ, तो कोई अगर अपने बारे में पूछना चाहता है तो अभी आपके पास ओपन अपॉर्चुनिटी है, अभी टाइम मिल रहा है, आप पूछे, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी। आप में से कोई भी यहाँ पर अफशा है, ये डॉट 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 जो भी है आपका नाम, अफशा है, डॉट 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 ये भी है, और वेब डेवलपमेंट सेल करना, वेब डेवलपमेंट ये तो एक बहुत अच्छी सर्विसेज है। अब ये देखें, वेब डेवलपमेंट यहाँ पे लिखें, यहाँ पे मैंने लिखा वेब डेवलपमेंट,
फाइवर पर 13,925 लोग वेब डेवलपमेंट के ऊपर सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए वो किस तरह से दे रहे हैं। अब आप वेब डेवलपर हैं, आप लोगों को, आपको ये स्किल आती होगी, आपके अंदर बिल्ट इन है, मतलब आप जानते हैं इसके बारे में। अब इसके बारे में थोड़ी सी नो हाउ और ले लें और इसके ऊपर थोड़ी मेहनत और कर लें, थोड़ी और मेहनत कर लें कि भाई इसमें आप एक्सपर्ट हो जाएं, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट के ऊपर अपनी गिग बनाएं कि आई विल डू वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट एंड डिजाइन, ठीक है। डिजाइन भी जाहिर है आपको बनाने आते होंगे, वेबसाइट बनानी भी आती होगी वर्डप्रेस की, या दूसरी मुझे नहीं अब याद क्या था, तो खैर आपको वेबसाइट्स बनानी आती होंगी। आप इससे रिलेटेड अपनी गिग बनाएं, अपनी प्रोफाइल बनाएं फाइवर पर कि मैं एक वेब डेवलपर हूँ, और इसको यानी आगे शेयर करें, ठीक है। गिग्स वगैरह बनाएं फाइवर पर, आप हर तरह की सर्विसेज दे सकते हैं। अब जरा मैं सर्विसेज को थोड़ा सा क्लियरली आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगी कि सर्विसेज आप किस तरह की दे सकते हैं फाइवर पर। पहले तो जरा मैं फाइवर को लॉगिन करना आप लोगों को सिखा देती हूँ। आप लोगों ने जस्ट फाइवर को यहाँ पर लिखना है गूगल पर, फाइवर, ठीक है। फाइवर की सबसे पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, नहीं तो fiverr.com पर डायरेक्ट जाएं, ठीक है। ये fiverr.com आ गया। जस्ट आपने पहले तो इसको गूगल से साइन इन करना है। अगर गूगल से साइन इन नहीं कर रहे हैं तो आप इसको ज्वाइन पर क्लिक करें। ये वाला विंडो आपको शो हो रही है, ये फाइवर वाली जो मैं ज्वाइन इन कर रही हूँ, ये विंडो आपको शो हो रही है, मैसेज करिएगा। हाँ जी, ये देखिए कंटिन्यू विद अयान खान, यानी ये मैंने एक आईडी बनाई हुई है, तो इसके ऊपर वो कह रहे हैं इससे कंटिन्यू करना है या आपने खुद अपना ईमेल ऐड करना है। अगर मैं ईमेल ऐड करूंगी वो वेरिफिकेशन मांगेंगे, अभी मैं वेरिफिकेशन नहीं चेक कर सकती, तो मैं इसको कंटिन्यू विद ईमेल कर रही हूँ। अगर आप यहाँ से मतलब मैंने कंटिन्यू विद जीमेल कर लिया, अगर आप यहाँ से करेंगे तो ये देखें इस तरह से आपके पास आएगा। आपने पहले अपना नेम देना है, यहाँ पे अपना यूजर नेम लिखना है जो भी आपको पसंद है, यहाँ पर अपना जीमेल एड्रेस लिखना है, ठीक है। अपना जीमेल या जो भी ईमेल एड्रेस है वो आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। कोई अच्छा सा यूजर नेम रखिएगा जो कि आपको सूट करता है, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनर, वेब डेवलपर, कुछ भी रख सकते हैं आप यूजर नेम, बट यूजर नेम कभी चेंज नहीं होता, अगर हुआ भी तो 3 या 9 मंथ्स के बाद होगा, ठीक है। ये चीज का एहतियात करनी है, यूजर नेम आपने कभी भी गलत नहीं लिखना। अपने स्पेलिंग, अपना जो ईच एंड एवरीथिंग है वो देख कर रखिएगा, फिर उसको डायरेक्ट आपने ज्वाइन कर लेना है। ये फाइवर का सजेस्टेड था, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता फाइवर पर, तो जस्ट ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब ये देखें ऊपर जरा, ये अपने क्वेश्चन कर अभी ना अपने पास सेव रखें, मैं एंड पर आपके क्वेश्चन को आंसर करूंगी, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन अपने पास यानी याद रखिएगा, मैं एंड पर इसका आंसर दूंगी। अभी जरा लेक्चर के साथ, एक रिदम के साथ चले जाएं। अभी ये देखिए, जब मैंने ज्वाइन इन किया है तो ये ऊपर हमें एक नोटिफिकेशन आ गई है कि आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट करें। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर नोटिफिकेशन आ गई है कि आप लोगों ने अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है। यहाँ पर आप लोगों ने जीमेल में जाना है, ठीक है। नेक्स्ट टैब में अपने जीमेल में जाएं। अभी मैं ओपन नहीं कर सकती क्योंकि मेरी पर्सनल चैट है, सो मैं इसको ओपन नहीं कर सकती यहाँ पर। तो आप लोगों ने अपने जीमेल में जाना है, वहां पर आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगी, नोटिफिकेशन में जाके आप लोगों ने उसको एक्टिवेट कर देना। जस्ट आप वन क्लिक से इसको एक्टिवेट कर लेंगे। अगर आप लोगों को फाइवर का अकाउंट बनाना है तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरे जो चैनल है ASQ.Services यूट्यूब का जो चैनल है, इसके ऊपर मेरा फाइवर का अकाउंट बनाने का और गिग बनाने का पूरा तरीका लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखें 9 पूरी की पूरी वीडियो सिर्फ एक गिग पर है, और अकाउंट बनाने का तरीका मैं 3 से 4 दफा बता चुकी हूँ, तो वो आपको समझ आ जाएगा इनशाला। जो समझ ना आए आप लोग मुझसे वैसे पूछ सकते हैं।
अच्छा यहां तक आप लोगों को समझ आ गई है कि लॉगिन कैसे करना है फाइवर को? फाइवर को लॉगिन कैसे करना है वो समझ आ गई है? मैसेज करें जरा, किसी का यहां तक कोई क्वेश्चन? चलें गुड हो गया, जिन्होंने यहां तक कर लिया वो तो वैसे ही गुड है, ठीक है। जिनको कोई मसला हुआ वो सेव करके रखे अपने क्वेश्चन, एंड पे इंशाल्लाह मैं दोबारा से आप लोगों से पूछूंगी। अब हम लोग फाइवर पर करें क्या? सबसे पहला तो मसला फाइवर पे हम लोगों ने करना क्या है। कल मैंने आप लोगों को एक स्किल बताई थी जिसको कैनवा कहते हैं, और मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि काफी लोगों ने अभी ज्वाइन किया है। तो कल मैंने आप लोगों को स्किल का बताया था, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर बनना चाह रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज देना चाह रहे हैं, तो आप लोग कैनवा को यूज करके, वहां से कैनवा को सीख के ग्राफिक डिजाइनिंग की अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं फाइवर पर। मैंने कल आप लोगों को उनकी गिग्स भी दिखाई थी, जैसे कि हम लोगों ने रिज्यूमे बनाया था और रिज्यूमे की गिग देखी थी, तो आप लोगों ने उसकी प्राइस देखी थी कि एक बंदा एक रिज्यूमे एक सीवी बनाने का 20,000 रुपया जो फाइवर पर चार्ज कर रहा है, ठीक है। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? और अब मेरी वॉइस आ रही है ठीक और स्क्रीन क्लियर है? मैसेज करिएगा जरा, वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? हाँ जी। अच्छा अब दूसरी, यानी हमारा जो दूसरा मेजर मसला कि हम लोग सर्विसेज क्या दें। पहले तो मैंने एक आसान हल बता दिया कि कैनवा को यूज करें। कैनवा बहुत आसान है, कैनवा पर को यूज करना बहुत आसान है। आप कैनवा में कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, और कोई उसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है कि उसको समझना बिल्कुल मुश्किल हो, ठीक है। अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं तो आप लोग मुझसे रब्ता करें, मेरा सेशन 10 से स्टार्ट होने वाला है, मैं उसमें भी आपको एनरोलमेंट करवा दूंगी। तो वो अगर ज्वाइन करना वो करें, वरना मेरे लेक्चर्स भी मेरे चैनल पर पड़े हैं, वो भी सुन के आप लोग कर सकते हैं, वरना यूट्यूब पर और भी बहुत से लेक्चर पड़े हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए तो मुझे बताइएगा। तो एक तो मैंने वे बता दिया कैनवा, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं, ये एक बहुत आसान स्किल है। सबसे आसान स्किल इस वक्त जो सोशल मीडिया पर चल रही है वो है कैनवा। कैनवा में कोई इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कि आप लोगों को कुछ समझ ना आए, आसानी से आप सब कुछ बना सकते हैं। उस पर बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं। कल जैसे कि हम लोगों ने, यानी मैंने बताया था कि आप लोग 10 मिनट्स के अंदर अंदर एक रिज्यूमे बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पहले तो इनकरेज करूंगी कि कैनवा को लाजमी यूज करें, बट जिनके अंदर बिल्ट इन स्किल्स हैं वो उन्हीं स्किल को सेल करें। अब स्किल्स क्या है, दूसरा बड़ा मसला, तीसरा बल्कि बड़ा मसला, इंग्लिश के बाद। और दूसरा मैंने मेरे ख्याल से कुछ बताया था, मुझे अब याद नहीं आ रही, दो बातें कल मैंने बताई थी। आज का मसला हमारे पास है कि स्किल कौन सी यूज करें, स्किल्स अब कौन सी यूज करनी है, अब स्किल कितनी अंत की पड़ी हुई है यहाँ पे फाइवर पे। सबसे पहले तो ग्राफिक डिजाइनिंग में, ये देखें ग्राफिक डिजाइनिंग में आप फाइवर पर क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं, ये देखें। लोगो बना सकते हैं, ब्रांड स्टाइल गाइड्स, यानी ये सब कुछ लोगो में ही आ रहा है, ठीक है। ब्रांड और आइडेंटिटी और लोगो, ये आपके ब्रांड को, यानी आपने अपने ब्रांड को पॉपुलर करना है, किसी चीज से ही करना है, किसी बैनर से करना है, किसी पोस्टर से करना है, या किसी कार्ड से करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें ग्राफिक डिजाइनिंग में आ रही है। दूसरी बात गेमिंग आर्ट, गेमिंग के जैसे NFT डिजाइन होते हैं वो भी कैनवा में आसानी से बन जाते हैं, तो गेमिंग और आर्ट, ठीक है। ये आ गया ग्राफिक फॉर स्ट्रीमर्स, ये भी आप लोगों को पता होगा, ट्विच स्टोर, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। ट्विच स्टोर एक मेरे ख्याल से एक ऐप है। उसके बाद आर्ट और इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन भी कैनवा में बन जाती है। NFT आर्ट जो कि मैं अभी बता चुकी हूँ, ये कैनवा में आसानी से बन जाते हैं। पैटर्न डिजाइन, पोर्ट्रेट, कार्टून, कॉमिक्स, ये भी बन जाते हैं कैनवा में। टैटू डिजाइन, स्टोरी बोर्ड्स, ये तो कल आप लोगों ने पढ़ा ही था। वेबसाइट डिजाइन, ऐप डिजाइन, UX डिजाइन, लैंडिंग पेज डिजाइन, आइकन डिजाइन, ये सब चीजें, ये सारे डिजाइन कैनवा में आसानी से बन जाते हैं, ठीक है।
अच्छा मीटिंग 10 मिनट में एंड होने वाली है, मीटिंग अचानक से एंड हो जाए तो आप लोगों ने मीटिंग जिस लिंक से आए हैं उसी लिंक से दोबारा आना है, ठीक है? अब ये सारी चीजें भी कैनवा में बन जाती हैं, मार्केटिंग डिजाइन, मार्केटिंग डिजाइन, सोशल मीडिया डिजाइन आ गया, ईमेल डिजाइन आ गया, बैनर डिजाइन आ गया, वेब बैनर, ठीक है? साइनेज डिजाइन आ गया, ये भी कैनवा में चारों चीजें बन जाती हैं। पैकेजिंग एंड कवर, ये तो सारी की सारी ही, जो पैकेजिंग का जो जितना भी मटेरियल है कैनवा में ये आसानी से बन जाता है। अच्छा अब आ रही आगे विजुअल डिजाइन, इमेज एडिटिंग वो भी हो जाएगा, प्रेजेंटेशन डिजाइन ये भी कल आप लोगों ने पढ़ा था ये भी हो जाएगा, इन्फोग्राफिक्स, वेक्टर ट्रेसिंग, वेक्टर ट्रेसिंग नहीं होती कैनवा पे वेक्टर ट्रेसिंग कैनवा में नहीं होती, रिज्यूम में आप लोगों ने पढ़ लिया था कि वो कैनवा में आसानी से हो जाती है, ठीक है? उसके बाद आ गया आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग डिजाइन, ये बिल्कुल एक अलग है, ये कोरल ड्रॉ का काम है, ठीक है? ये चीजें आप कैनवा में नहीं कर सकते, चले एक पार्ट छूट गया। उसके बाद फैशन एंड मर्चेंडाइज, फैशन डिजाइनिंग के हवाले से टी शर्ट डिजाइन होते हैं, ज्वेलरी डिजाइन होते हैं, जस्ट आप लोगों ने उनके प्रिंट बनाने हैं और ये कैनवा में आसानी से बन जाते हैं। आप लोगों के पास बेतहाशा एलिमेंट्स हैं, बेतहाशा ऑनलाइन करें, अपनी अपने ऐप से करें, वेबसाइट भी मैंने आप लोगों को बता दी थी, मैंने ये भी बता दिया था कि इसकी ऐप भी होती है, तो आप जो चाहे यूज करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद ग्राफिक में क्या सर्विसेज हैं वो मैं बताती हूँ, फ्लायर डिजाइन, पोस्टर, ब्रोशर, कैटलॉग, मेन्यू, इनविटेशन, उसके बाद प्रोडक्ट में इंडस्ट्री, प्रोडक्ट की भी सारी लेबलिंग, जो भी प्रोडक्ट डिजाइन हैं ये सब कुछ भी आप कैनवा में आसानी से बना सकते हैं। अच्छा डिजाइन एडवाइस, लोगो मेकर टूल, ये सब चीजें भी कैनवा में आसानी से बन जाती हैं, ठीक है? और भी ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल है जो कि आप लोग यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अब ग्राफिक डिजाइनिंग तो ये एक पूरे का पूरा एक ये नीश थी और इसके अंदर भी अलग अलग नीश थी, ठीक है? नीश का मतलब होता है स्किल्स, मतलब फील्ड कह लें, ठीक है? ये ग्राफिक डिजाइनिंग की सारी फील्ड्स थी, आप इन पर काम कर सकते हैं और कैनवा एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, उसको यूज करके आसानी से कर सकते हैं। अब बारी आ गया डिजिटल मार्केटिंग की, अगर आपका ताल्लुक डिजिटल मार्केटिंग से है, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग जानते हैं, आप सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग जानते हैं, आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जानते हैं, आप लोकल एसईओ जानते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये सब चीजें, गेस्ट पोस्टिंग, मेरे ख्याल से ये वेबसाइट डेवलपमेंट में आता है, वेब एनालिटिक, ईमेल मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग और टेक्स्ट मैसेजिंग मार्केटिंग, क्राउड फंडिंग, एफिलेट मार्केटिंग, ये अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड आप लोगों के सब्जेक्ट रहे हैं या कुछ भी है। अच्छा ई बुक और बुक, ये चीज भी आप लोगों की कैनवा में बन जाती है, बुक भी और ई बुक भी, ठीक है? और अगर आपकी यानी ई कॉमर्स या मार्केटिंग से रिलेटेड फील्ड है और आप अच्छे से जानते हैं मार्केटिंग करना, जरूरी नहीं है इसमें पढ़े लिखे होना कि आप लोगों ने इसमें डिग्रियां ली हो, बट आपको मार्केटिंग आनी चाहिए, तो आप इन सब फील्ड में अगर आप अदर पर जाके मजीद सर्च करेंगे तो इसमें और स्किल्स भी आ जाती हैं, ठीक है? अब वो बंदे जिनको राइटिंग से इंटरेस्ट है, जिनको लिखना पसंद है, जो स्टोरीज लिख सकते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें लिख सकते हैं, जो अपनी फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने व्हाट्सएप पर लंबे लंबे मैसेज तैयार करके भेज देते हैं, उनको राइटिंग का शौक ही होता है ना, तो वो राइटिंग फील्ड में जाते हैं। और उसमें क्या है, कंटेंट राइटिंग कहते हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंटेंट राइटिंग ही होती है, कंटेंट राइटिंग या क्रिएटिव राइटिंग या कॉपी राइटिंग, ठीक है? तीन फील्ड होती है, क्रिएटिव राइटिंग में कुछ भी आ जाता है, कंटेंट राइटिंग में भी डिफरेंट फील्ड है, और जो कॉपी राइटिंग है वो तो होती ही वेबसाइट से रिलेटेड है, ठीक है? अब इसमें क्या फील्ड है, आर्टिकल राइटिंग आप लोग कर सकते हैं, ट्रांसलेशन की सर्विसेज दे सकते हैं, प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग रिज्यूमे, कवर लेटर, लिंक्डइन प्रोफाइल, एड कॉपी, सेल्स कॉपी, सोशल मीडिया कॉपी, ईमेल कॉपी, केस स्टडीज, बुक, ई बुक राइटिंग, बुक एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, पॉडकास्ट राइटिंग, बीटा रीडिंग, क्रिएटिव राइटिंग और ब्रांड वॉइस एंड टोन, यूएक्स राइटिंग, यूएक्स मतलब वेबसाइट के लिए राइटिंग करनी है आपने, स्पीच राइटिंग और ई लर्निंग, जो लोग स्पीच अच्छी लिखते हैं, मैंने बोला ना, जो कि कुछ भी व्हाट्सएप पर भी अगर आप अच्छे अच्छे मैसेजेस तैयार करके दे देते हैं, फेसबुक पर अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी कैप्शंस आप अच्छी अच्छी तैयार करके दे सकते हैं, तो आप स्पीच राइटिंग की फील्ड चुन सकते हैं। स्किल कोई भी हो आपके पास, जरूरी नहीं है कि आप लोगों के पास ग्राफिक डिजाइनिंग की ही स्किल होनी चाहिए,
आपके अंदर बिल्ट इन जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी जाता है। मैं बार बार यही बात कहूंगी, पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, काबिल होना जरूरी है। आपके पास डिग्रियां नहीं चाहिए, आपको बस एक स्किल चाहिए जिसमें आपको महारत हो। एक ही स्किल को पकड़े या दो स्किल जिसमें आपका इंटरेस्ट जा रहा है, ठीक है, दो स्किल पकड़ लें जिनमें आपका इंटरेस्ट जा रहा है, उनको अच्छे से पहले प्रॉपर टाइम दें, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग करें, फिर उसके बाद फ्रीलांसिंग में आए। फ्रीलांसिंग तो हर साथ साथ चलेगी, आप अकाउंट्स बनाएं उन पर, यानी अपनी पब्लिशिंग करें, एडवर्टाइजिंग करें कि भाई मैं एक ग्राफिक डिजाइनर या कंटेंट राइटर, मैं तो जो चीजें बढ़ाती हूँ मैं उन्हीं का नाम लूंगी ना, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि पहले उनकी उनकी मार्केटिंग भी साथ साथ करें, बट पहले अपनी स्किल को टाइम दें और उसको पॉलिश करें अच्छे से, ठीक है। अब ये आ गया ई लर्निंग कंटेंट डेवलपमेंट टेक्निकल राइटिंग, ठीक है। जिनको वेबसाइट वगैरह में इंटरेस्ट है वो ये चीजें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट के लिए भी राइटिंग का काम करना पड़ता है। आप जॉब डिस्क्रिप्शन आप लोग लिख सकते हैं, व्हाइट पेपर, वेबसाइट कंटेंट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इसकी भी बहुत अच्छी रेटिंग्स है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की, अगर आप किसी प्रोडक्ट की तारीफें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट की बात करते हैं, जैसे कि कोई कोल्ड क्रीम का हम लोगों ने स्लोगन वगैरह पढ़ते हैं, जब उनकी बेचने के लिए हम लोग एड जो हमारे टीवी पे आ रही होती है, फॉर एग्जाम्पल फेयर एंड लवली की एड देखने, उसके अंदर उन लोगों ने बड़े, यानी फेयर एंड लवली के ऊपर इतने उन्होंने पोस्टर्स बनाए हैं, इतने बैनर्स बनाए हैं, गर्ल्स तो हैर इस पे अच्छे से वाकिफ होंगी, हैर आजकल तो बॉयज भी लगाते हैं, मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ मैं पहले बोल दूँ, बट आजकल तो बॉयज भी लगाते हैं। अब मैं बता देती हूँ नंबर। अच्छा, तो एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आप लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आप लोग इस तरह से कर सकते हैं कि आप लोगों ने प्रोडक्ट की तारीफें करनी है, ठीक है। प्रोडक्ट की तारीफें करना मतलब कि फेयर एंड लवली अब लोग बेच रहे हैं, वो लोग तारीफें करेंगे भाई इसको लगा के तो आप लोगों ने गोरे चिट्टे हो जाने हैं, और आपको तो ऐसा रूप आएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी, लाइटों की भी जरूरत नहीं है। तो ये सब कुछ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ही आता है, ठीक है। आपकी राइटिंग देखी जाती है, आपका कंटेंट देखा जाता है, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है। अच्छा, उसके बाद प्रेस रिलीजेस, बिजनेस नेम्स एंड स्लोगन्स, ग्रांट राइटिंग, जस्ट आपसे बिजनेस के नाम सजेस्ट करने के लिए भी लोग आपसे फाइवर पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लोगों को काम चाहिए, यानी जो लोग, यानी बाहर के लोग हैं, वो जस्ट एक कंसल्टेंट से अपने बिजनेस का नाम और स्लोगन भी पूछ सकते हैं। जो राइटर्स होते हैं ना उनसे ये चीजें भी पूछने के पैसे लेते हैं लोग। अब मैं कंटेंट राइटर हूँ, कोई मुझसे आके कंसल्ट करेगा कि भाई मैंने अपने बिजनेस का नाम रखना, मैं क्या क्या रखूँ, मेरा टाइम लग रहा है, मैं उनसे पैसे लूंगी, आप लोग मुझे पैसे दो, मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे जबरदस्त नाम ढूंढ के दूंगी, यानी सजेस्ट करूंगी कि आपके बिजनेस को क्या नाम सूटेबल लगेगा, स्लोगन्स क्या होना चाहिए आपके नाम का। तो ये चीजें फाइवर पर, आप कोई भी स्किल, आपकी तो मेहनत लग ही रही है, आपका टाइम तो लग ही रहा है, तो आपने बस अपनी स्किल बेचनी है और पैसे कमाने हैं। फ्रीलांसिंग यही है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बस आप लोगों के पास आपकी स्किल में महारत होनी चाहिए, और दूसरी बात आपको अपना टाइम देना पड़ेगा इसमें। अब नेक्स्ट फील्ड में जा रहे हैं, वीडियो एनिमेशन, ठीक है। जितने लोग भी वीडियो एडिटर्स हैं जिनको वीडियो एडिटिंग करनी आती है, खासकर मैं टिकटॉक वालों को बात करूंगी कि जो लोग टिकटॉक चलाना जानते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरी बात सुनिए, जरा मीटिंग एंड होने वाली है, जरा दोबारा ज्वाइन करें सेम इसी लिंक से, मैं वेट कर रही हूँ, जिस लिंक से आए हैं आप सेम उसी लिंक से ज्वाइन करें, और मैं नंबर आपको दोबारा देती हूँ मीटिंग में आके, ठीक है। मैं बता रही थी कि न्यूज चैनल में ये न्यूज आई थी कि एक बंदे ने दाता साहब के लिए एक पैकेज बनाया था फाइवर पर, कि मैं वहां पर जाके दुआ करूंगा 6,000 में, स्टैंडर्ड में मैं 11,000 में जाके वहां पर दुआ भी करूंगा आपके लिए, कहीं भी आप हो बस आप मुझे, यानी ऑर्डर प्लेस करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा और वहां जाके आपके लिए दिया भी जलाऊंगा। जो प्रीमियम था उसने कहा कि मैं 24,000, ऑलमोस्ट 24,000 में मैं वहां जाके आई विल प्रे, बर्न ऑयल लैम्प्स एंड डिस्ट्रीब्यूट मील टू द नीडी ऑन योर बिहाफ ऑन दातर दरबार। तो उसने ये बात कही कि मैं
आप मुझे 24,000 रुपया दें, 24,000 का ऑर्डर प्लेस करें, मैं वहां जाके दुआ भी करूंगा पूरे दिल से, मैं वहां जाके दिया भी जलाऊंगा आपके नाम का, ये मन्नत मांगेंगे, और उसके बाद मैं गरीबों को खाना भी दूंगा, और उस बंदे को 10 ऑर्डर आए भी हुए हैं। अगर आप लोग ये उसकी गिग के आगे देखें तो उस बंदे को 10 ऑर्डर आए भी हुए हैं। तो ये क्या एक स्किल नहीं थी? जो बंदे समझते हैं, जो लोग आप में से समझते हैं कि भाई हमारे पास तो कोई स्किल ही नहीं है, क्या इनको देख के मोटिवेशन नहीं मिलती आपको? थोड़ी मोटिवेशन मिल रही है? कितने लोगों को मोटिवेशन मिली है कि हम कुछ तो कर सकते हैं? आपके यहाँ भी कोई दरबार होगा, अभी मैंने यहाँ पे सर्च किया था तो ये देखें, यहाँ पे उन्होंने कहा आई विल प्रे फॉर यू इन जामिया मोस्ट दाता दरबार हो, ये भी दाता दरबार है। अच्छा, किसी और दरबार का भी मैंने पढ़ा है। अच्छा ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने ये भी सर्विसेज दी हैं कि आई विल रिसाइट द होली कुरान एंड प्रे फॉर यू एट दाता दरबार। अच्छा, रिसाइट करने की भी है। हाँ जी, बड़ी है मैम, ये भी मुझे पता है उनकी उनके बारे में भी। तो ये देखें, स्किल्स देखें, आप अपने अंदर से कोई ना कोई एबिलिटी तो निकाल ही सकते हैं ना। जरूरी तो नहीं है कि फाइवर ने ये जो इतने ज्यादा हम लोगों को ऊपर ऑप्शन दे दिए हैं कि हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग करें, डिजिटल मार्केटिंग करें, राइटिंग ट्रांसलेशन करें, वीडियो एनिमेशन, म्यूजिक प्रोग्राम, बिजनेस स्टाइल, लाइफ स्टाइल ट्रेंडिंग, या इस तरह की कोई फील्ड चुने। जरूरी तो नहीं है, वो उस बंदे को भी तो 10 ऑर्डर आए हैं, देखें ना, उस बंदे को भी तो 10 ऑर्डर मिले हैं, आपको भी मिल जाएंगे। रिस्क देना, तो पहली बात तो ये कि मैं ये नहीं कहूंगी कि रिस्क आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ से ही मिलेगा, मैं आप लोगों को झूठलारे नहीं लगाती कि यहाँ से ही आपको रिस्क मिलेगा। ये तो वसीला बनते हैं ना लोग, ये तो रिस्क तो अल्लाह ताला के हाथ में, आपको जहां से भी यानी लिखा हुआ है वो तो मिल ही जाना है। बट ये एक आप लोगों का माइंड सेट है कि भाई हमें कोई स्किल नहीं है, हम पीछे रह गए हैं। अब इस बंदे ने देखे, इसने माशाल्लाह से कितनी इसने अपने अंदर की छुपी हुई एबिलिटी निकाली है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है, और उसने ये काम किया भी है, और अल्लाह ताला ने उसको रिस्क भी दिया इस वसीले के जरिए से। आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज नहीं आ रही मेरी? मैसेज करिएगा। अच्छा, फिर आपकी तरफ से ही इमरान को इश्यू होगा। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि आप अपनी स्किल को पहचानिए, अगर आप लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी तरफ इंटरेस्ट जा रहा है, अगर ग्राफिक, और मैं तो कंटेंट और ग्राफिक की ट्रेनिंग करती हूँ ना, आप लोग अपनी स्किल को पहचानिए, अगर आप लोगों को गाइडेंस की जरूरत है मैं आप लोगों को आगे गाइड कर दूंगी, मुझसे रब्ता करें, मैं गाइड कर दूंगी, मैं गाइडेंस अच्छी दे दूंगी आपको कि क्या करें, किस फील्ड में जाएं। अभी मैं आप लोगों को फाइवर की और मजे की दो तीन चीजें बताती हूँ, जस्ट यहाँ तक ना रहेंगे, वीडियो एनिमेशन तक बहुत मुश्किल है। अब आगे म्यूजिक की तरफ जाएं, अब आगे म्यूजिक की बारी आ गई है, वॉइस ओवर सबसे बड़ा आप लोगों के पास स्किल। यहाँ पे बैठा एक एक बंदा वॉइस ओवर की सर्विसेज दे सकता है, ठीक है, और वॉइस ओवर जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने इंग्लिश में ही करना है, वैसे तो इंग्लिश में भी काफी लोग बोल लेंगे। आप लोग जिस जुबान में वॉइस ओवर की सर्विसेज देना चाह रहे हैं, आप उस जुबान में वॉइस ओवर की सर्विसेज दें। और वॉइस ओवर क्या होता है? वॉइस ओवर ये होता है कि आप लोगों को स्क्रिप्ट दे दी जाती है एक, यानी पूरी की पूरी एक रिटर्न पेपर में आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाती है, आपने इसको अपनी आवाज में बोलना है, ठीक है, आपने इसको अपनी आवाज में बोलना है और उनको दे देना है। जस्ट आपकी आवाज के पैसे मिलते हैं आपको, आपकी आवाज के पैसे मिलते हैं, इसको वॉइस ओवर कहते हैं। उन्होंने लिख दिया, आपने जस्ट बोल के दे दिया, इस चीज के आपको पैसे मिलेंगे फाइवर पर। जो लोग ये काम कर सकते हैं, खासकर बॉयज और गर्ल्स, यानी जो के पर्दे में रह के काम करना चाह रही हैं, गर्ल्स सॉरी, वो ये काम कर सकती हैं, ठीक है। अगर वॉइस का भी इशू है तो फिर वो बॉयज के लिए बहुत बेहतर है कि वो ये काम कर सकते हैं, जिनको इंग्लिश आती है उनके लिए और बेहतर है वो इंग्लिश में बोले। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप लोगों ने इंग्लिश और उर्दू में बोलना है, जिसको जो जुबान आती है, सिंधी, बलोची, फारसी, पाकिस्तान में भी तो कई जुबानें बोली जाती है ना, तो आप लोगों को जो जुबान आती है आप उसमें सर्विसेज देंगे, भैया मैं वॉइस ओवर कर सकता हूँ, ठीक है,
मैं आप लोगों को आइडियाज दे रही हूँ कि आप लोगों के पास स्किल्स की कमी नहीं है। अल्लाह ताला ने हम लोगों को अशरफुल मखलूकात पैदा किया है, इतनी आप लोगों में से एबिलिटीज निकल आएंगी कि आप लोगों की सोच ही यानी वहां पे मुक्तसिर हो जाएगी कि भाई हमारी तो इतनी स्किल है, हमें तो पता ही नहीं था। तो ये जरा सोचें, आप लोगों के पास बहुत स्किल्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके पास हैं। तो ये आप लोगों ने ग्राफिक कंटेंट में कुछ भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि भाई आप लोगों ने उधर ही रहना है, बट जो लोग सोचते हैं कि हम लोग यानी साथ साथ चलना चाह रहे हैं ग्राफिक के साथ, कंटेंट के साथ, क्योंकि ये डिमांडिंग स्किल्स है, तो उनके लिए मैं यही गाइड करूंगी कि वो मुझसे प्रॉपर सेशन लें। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी में म्यूजिक ऑडियो में प्रोड्यूसर और कंपोजर, ऑडियो एडिटिंग, पॉडकास्ट, ये सारी चीजें आप लोग खुद भी देख सकते हैं। ये सारी ऑडियो से रिलेटेड है, ऑडियो एडिटिंग की है। ठीक है, साउंड डिजाइन और सब कुछ, ये सब कुछ ऑडियो एडिटिंग का है, बट इसके अंदर वॉइस ओवर, ठीक है, सबसे बड़ा वॉइस ओवर। मैंने आपको बताया ना, मैंने लेक्चर पूरे 9 लेक्चर रखे हैं, ये देखें मेरे चैनल पर पूरे 9 लेक्चर पड़े हुए हैं, आप इनको देख के गिग बनाएं, जो चीज समझ नहीं आती आप मुझसे पर्सनली पूछ लें। अच्छा मैं आगे चलती हूँ, आगे हमारे पास है प्रोग्रामिंग एंड टेक। ये देखें वेब डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पर अब्दुल्ला आपने बात की थी कि आप वेब डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये देखें वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर बहुत सी सर्विसेज हैं। आप लोगों की गिग्स देखें, उनकी गिग को देखकर अपनी गिग्स बनाएं। ठीक है, गिग का तरीका मैंने अपने चैनल पर डाला है, आप लोग उधर से देख सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ वेबसाइट से रिलेटेड है और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। ठीक है, अब बारी आ गई है बिजनेस की, जिनका ताल्लुक बिजनेस से है वो लोग इस फील्ड में जा सकते हैं। बिजनेस में भी यहाँ पर बहुत कुछ है, डाटा एंट्री, कंटेंट राइटिंग वालों के लिए भी है, और इसमें वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब आप कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, आप लोग किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन हैंडल करेंगे तो ये वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब होगी, बट इसके लिए थोड़ा बहुत होगा कि आप लोगों की क्वालिफिकेशन मैटर करती है। जिन्होंने ग्रेजुएशन किया और थोड़ी बहुत इंग्लिश नो हाउ है और बिजनेस की भी थोड़ी बहुत नो हाउ है, वो वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब कर सकते हैं। बिजनेस की नहीं, बस ऑनलाइन रहना, यानी वेबसाइट का क्या, वेबसाइट का पता होना, सोशल मीडिया के बारे में पता होना चाहिए, वो वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब कर सकते हैं। अब इसके बाद नई चीज जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है वो है लाइफस्टाइल। आप यहाँ पर जो चीज आपको आती है आप यहाँ पर ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ठीक है, जो स्किल आपको आती है आप लोगों को भी सिखा सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी जो आपको आता है आप उसको यहाँ पर सिखा सकते हैं। कैरियर काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग, आप लोगों को किसी भी तरह के मशवरे दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप कैरियर काउंसलिंग को खोल के देखें तो यहाँ पर ऐसी ऐसी गिग्स आपको मिलेंगी जो आपको शॉक कर देंगे। लोग अपनी शादी पर क्या पहने इस चीज का भी मशवरा लेते हैं फाइवर पर, जस्ट एज अ कंसल्टेंट। ठीक है, इस हद तक भी लोग यानी ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो आप करियर काउंसलिंग की तरफ जाएं, गेम कोचिंग, ठीक है, गेम अगर आपको कोई आती है, फुटबॉल आती है, क्रिकेट आता है, आप उसको ऑनलाइन सिखाना चाह रहे हैं तो आप उसको कोच करें। ठीक है, कोई भी आपको गेम आती है, अब कंचे खेलना ना सिखा दीजिएगा। ताश के, हाँ, चेस खेलना सिखाया जा सकता है, मेरे ख्याल से काफी लोगों को चेस आती होगी, खासकर आदमियों को आती होगी, तो वो भी सिखाई जा सकती है। लाइफ कोचिंग, आपसे वो लोग अपनी जिंदगी के मशवरे मांगेंगे, बट वो आपसे डिग्री की डिमांड नहीं करेंगे। फाइवर पर कोई आपकी डिग्री की डिमांड नहीं करेगा, उसको जस्ट एक बंदा चाहिए, एक लिसनर चाहिए जो कि उसकी बातें सुने और उसको अच्छे मशवरे दे। ठीक है, लाइफ कोच का ये काम होता है। आप फैशन एंड स्टाइल, मॉडलिंग और एक्टिंग भी कर सकते हैं, इसकी भी ऑफर्स आती हैं फाइवर पर, अपवर्क पर, फ्रीलांसर्स पर। ठीक है, जो लोग करना चाह रहे हैं ये जो मॉडलिंग और एक्टिंग में जाते हैं, इनका ये होता है कि इनको ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं, यानी आप लोगों की पिक्चर्स वगैरह मांगेंगे और वो आपको बाहर के मुल्क बुला लेंगे फोटोशूट या मॉडलिंग वगैरह के लिए। तो ये इस तरह से भी काम होते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास फरा भी, आप क्लास में हैं मेरे ख्याल से, नहीं फरा नहीं है। हमारे पास यहाँ पर एक जिम ट्रेनर है, वो भी यहाँ पे सर्विसेज देना चाह रही है, तो उनके लिए मैं बताने वाली थी, ये वेलनेस एंड फिटनेस में वो अपनी गिग बना सकती हैं कि वो ट्रेनर है। ठीक है, फिटनेस लेसन भी दे सकते हैं,
जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है डाइट प्लान का, जिमिंग का, बॉडी बिल्डिंग का, वो लोग यहाँ पे सेशन भी दे सकते हैं अपने फाइवर पर, ठीक है। कुकिंग लेसन, मैंने जैसे कि बताया कि औरतों को खाना बनाना आता है, तो आप लोग अपने खाना बनाने के लेसन दें यहाँ पर। बिरयानी बनानी आती है, कुछ भी बनाना आता है, फॉर एग्जाम्पल, आप लोग यहाँ पर लेसन दें, ठीक है। अपनी गिग बनाए, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, अभी मैं ओपन नहीं करी, टाइम शॉर्ट रह गया, मैं जस्ट एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। आप इसके ऊपर ओपन करेंगे ना इसको, तो इसके रिलेटेड गिग्स ओपन हो जाएंगी। ये गिग्स ओपन होंगी, आप इनको देखिए, फिर थोड़ा समझे कि लोगों ने कैसे गिग्स बनाई हुई है। गिग का तरीका तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि मेरे चैनल पर मौजूद है। खैर, बाकी सब भी बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे फील्ड है। आपको एस्ट्रोलॉजी आती है, आप इसको, यानी ये काम करे सितारों का आपको इलम है, तो आप ये भी दे सकते हैं। इवन के मैं कहती हूँ काला इलम तक फाइवर पे सेल हो रहा है। तो यानी जो जो चीजें आपको आती हैं, मतलब आप लोग वजीफे वगैरह करते हैं वो भी करें, तो स्किल की कमी नहीं है ना आप में है और ना यहाँ पे फाइवर पे है। फाइवर ने आपको बिल्कुल नीच तक में बता दिया कि आप लोग कुछ भी यहाँ पर सर्विसेज सेल करें, हमें कोई मसला नहीं है। हम लोगों ने बस आप लोगों से कमीशन लेना है, $5 आपसे लेगा, $5 क्लाइंट से लेगा, उसका काम खत्म। बस आप लोगों ने अपनी स्किल्स यहाँ पे डालनी है, सेल करनी है और बात खत्म, ठीक है। फाइवर की अच्छे से समझ आ गई है, गिग बनाने का तरीका, फाइवर के अकाउंट को यूज करने का तरीका। अगर आप लोग मेरा सेशन नहीं लेना चाह रहे, जो कि अपकमिंग है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप लोग मेरा सेशन नहीं लेना चाह रहे, तो मेरे चैनल पर जाएं, मेरे पुराने बैच के सारे लेक्चर्स यहाँ पे पड़े हैं। ये 25 लेक्चर, ये 20 लेक्चर, ये 19 लेक्चर, ये 18, ये 30 लेक्चर, ये सारे लेक्चर सुने, कोई भी एक निकाल लें, सारे प्रॉपर प्रॉपर सेशन है, सीरीज वाइज लेक्चर पड़े हुए हैं, प्रॉपर सुने समझे और अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें, ठीक है। अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें। जिसको करियर के रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए वो भी मुझसे पूछ सकता है। अच्छा, एक सेकंड, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप